वो आप थोड़े से पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपको प्रॉपर प्लान नहीं होगा डॉक्टर के जेन में, तो आपकी जो सक्सेस है वो ऑल टुगेदर कम हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला गायनी सोल्यूशन के फोरम से। एक टॉपिक जिसके ऊपर मैं बड़े अरसे से वीडियो बनाना चाह रही थी और फिर वो रह जाता था, तो आज मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। वो ये है कि IVF जो कि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मेरे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम बहुत दूर दूर से पेशेंट आ रहे होते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम वहाँ गए तो उन्होंने मुझे बताया, हमें बताया कि IVF 7 लाख का है, वहाँ गए तो हमें पता चला IVF 4 लाख का है, वहाँ पे हम गए तो वहाँ पता चला IVF 5 लाख का है, और यहाँ पे हम गए तो हमें पता लगा 2.5 लाख का IVF है, तो इनमें क्या फ़र्क है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि जो स्टैंडर्ड IVF है, दो तरह का IVF होता है, एक होता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के साथ कि उसमें हम क्या करते हैं कि बस आपको 12 दिन इंजेक्शन लगाएंगे, एग पिकअप करेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी एम्ब्रियो को उसके साथ करेंगे, हम मीट करेंगे स्पर्म के साथ यानी एम्ब्रियो बनाएंगे, एग को स्पर्म को मिला के एम्ब्रियो बनाएंगे और डे 19 के ऊपर आपके अंदर रख देंगे यानी एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये इसको हम कहते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। यूजुअली जहाँ जहाँ पे भी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जहाँ पे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की सहूलत नहीं है, वो साइकिल यूजुअली सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनको पता है कि हमें सिर्फ 1 या 2 एम्ब्रियोज़ चाहिए हैं, इससे ज़्यादा हमें एम्ब्रियोज़ नहीं चाहिए हैं, तो लिहाजा वो मेडिसिन्स भी कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट ये नहीं है कि हमारे पास 6-7 एम्ब्रियोज़ बन जाएँ या अच्छी अमाउंट ऑफ एग्स निकलें ताकि वो एग्स जो है वो हम एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर सकें और फ्यूचर के साइकिल्स में हम यूज़ कर सकें। तो वो क्या करते हैं, आपको तकरीबन 2.5 से 3 लाख के अंदर ही एक साइकिल ऑफ़र कर देते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मेडिसिन्स आपको लेते हैं। यूजुअली उसमें टारगेट ही होता है कि 4 या 5 फॉलिकल्स भी अगर आपके बन जाते हैं तो उनमें से एक आध एग फर्टिलाइज होकर एक एम्ब्रियो बन जाता है तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अब IVF का जो चीज़ है वो चेंज हो गई है। अब हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की कोशिश क्या होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एग्स निकलें, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ बने, और 1-2 ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास 4-5 पीछे एम्ब्रियोज़ फ्रीज हो जाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे आप इस दफ़ा पूरा पे कर रहे हैं और पूरा एक रिहर्सल से गुजर रहे हैं, आपने 12 दिन इंजेक्शन लगवाए, फिर आपने एग पिकअप किया, फिर हमने एक सी की, फिर हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, पहली बात तो यह है कि अगर आपके एम्ब्रियोज़ अच्छे हैं और आप अच्छे सेंटर पे हैं और आपने वहाँ पे जो है वो डॉक्टर को अलाउ किया है कि मेरे लिए प्रॉपर एक प्लान बनाएं, तो उसमें क्या होगा कि वो आपके नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ ज़्यादा बनाएगा और 2 को एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र करने के बाद बाकी एम्ब्रियो फ्रीज़ कर देगा। बल्कि अब अगर उसके अच्छे सेंटर में जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप फ्रोज़न एम्ब्रियो करवाएं, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उस महीने आपको बहुत सारी मेडिसिन लगी होती हैं, आपके हार्मोन्स बड़ी पीक पे होते हैं, तो उसके अंदर मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अंदर। तो वो डॉक्टर क्या करेगा कि 2 एम्ब्रियो रखने के बाद बाकी फ्रीज़ कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम जो होगा जब आप आएंगे तो फिर आपको ये सारा प्रोसेस रिपीट नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको क्या होगा कि जस्ट आपको डे 19 तक ओरल मेडिसिंस खाने को दी जाएंगी और डे 19 के ऊपर आपके अंदर वो बने बनाए एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और उसकी फ़ीस 70-80% कम होगी। यानी जहां पहले आपने 5 लाख दिया, अब सिर्फ आप तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया देंगे और आपका पूरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको उसका जो है वो दोबारा से इतने लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा। दूसरा फ़ायदा क्या है? फ़र्ज़ करें आपका आपने प्रॉपर सेंटर से एम्ब्रियो फ्रीजिंग के साथ जो है वो प्लान्स के साथ आपने IVF स्टार्ट किया और आपके एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ हो गए, 2-3 एम्ब्रियोज़ आपके फ्रीज पड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो एम्ब्रियोज़ आपको ट्रांसफ़र किए जाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि वो आपको अगर आपका एक साइकिल फ़ेल भी हो गया है, आपको प्रेगनेंसी नहीं भी हुई है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो
तो आपको नेक्स्ट टाइम का स्ट्रेस नहीं होगा, ना आपको होगा ना आपके डॉक्टर को होगा. वो दोनों इस बात पे कॉन्फिडेंट होंगे कि जी हमारे पास एम्ब्रियो, फ्रोजन एम्ब्रियोज पड़े हुए हैं, चाहे प्रेगनेंसी होती है चाहे नहीं होती है, या प्रेगनेंसी होने के दरमियान में कोई मसला बन जाता है, मिसकैरेज हो गया है, कुछ हो गया है, तो आप अ बिट रिलैक्स होंगे कि मेरे एम्ब्रियो फ्रोजन पड़े हुए हैं और मैं वो एम्ब्रियोज यूज़ करके अगेन प्रेग्नेंट हो सकती हूँ. आपका कंसल्टेंट भी क्या होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा. तो एम्ब्रियो बैंकिंग को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया जा रहा है. उसकी वजह क्या है, यही कॉन्फिडेंस कि अब चूँकि फ्रीजिंग की जो सहूलत है वो आ गई है और देखा गया है कि फ्रोजन एम्ब्रियो रिज़ल्ट, नॉर्मल एम्ब्रियो आईवीएफ का रिज़ल्ट अगर 40% है तो फ्रोजन के साथ ही 50-60% पर चला जाता है. एक तो फ्रोजन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, दूसरा ये कि अगर एक दफ़ा फेल हो जाता है तो आप इन द वेरी नेक्स्ट साइकिल और वन और टू साइकिल अवे आप नेक्स्ट ट्रांसफ़र का चांस ले सकते हैं. तो अच्छे सेंटर से अपना आईवीएफ करवाएं जहाँ पे प्रॉपर फ्रीजिंग की सहूलत हो, छोटे सेंटर से जहाँ पे सिर्फ आपको एक महीने के अंदर अंदर वो क्या, तो वो आप थोड़े से पैसे तो बचा लेंगे लेकिन क्या होगा कि आपको प्रॉपर प्लान नहीं होगा डॉक्टर के जेन में, तो आपकी जो सक्सेस है वो ऑल टुगेदर कम हो जाएगी. तो जो अच्छे सेंटर्स हैं वो हमेशा आपको फ्रीजिंग का मशवरा देते हैं, आपको अच्छी मेडिसिन्स, हाई क्वालिटी मेडिसिन्स और अमाउंट भी ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा मिले. एग्स ज़्यादा मिलेंगे तो एम्ब्रियो ज़्यादा बनेंगे, एम्ब्रियो ज़्यादा बनेंगे तो वो फ्रीज होंगे. अदरवाइज़ अगर आपके टोटल 5-6 अंडे निकले हैं तो वो तो हो सकता है उनमें से मैच्योर एग सिर्फ 2-3 हों, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके एम्ब्रियो बने वो हो सकता है उनमें से एक ही एम्ब्रियो बने जो कि रखना रख सकते हैं, या अगर दो भी बन गया तो ज़ाहिर है दो को हम रख देंगे और उसी साइकिल में रख देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो जो शॉर्ट साइकिल्स होते हैं उसमें फ्रीजिंग पे जाते ही नहीं है. तो ये फ़र्क है जो आपको कुछ कहीं जगह पे आईवीएफ 2.5 लाख में हो रहा है, कहीं जगह पे 5 लाख में हो रहा है. उसमें आपने बस ये देखना है कि क्या आपको प्रॉपर सर्विसेज दी जा रही हैं. इस वीडियो का मकसद ये है, आईवीएफ तो आपने कराना ही कराना है, किसी ने कराची से कराना है, किसी ने इस्लामाबाद से कराना है, किसी ने लाहौर से कराना है, लेकिन आपको उसके पीछे की साइंस पता हो. अब जब सेंटर में जाएं तो उनसे क्वेश्चन कर सकें कि आप हमारे लिए क्या प्लान कर रहे हैं, आप हमारी एम्ब्रियो बैंकिंग करेंगे या आपके जेहन में ये बात है कि आप हमारी एम्ब्रियो बैंकिंग करेंगे. तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी. इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा, मज़ीद आंसर करने की कोशिश करूँगी. मेरी टीम आपके आंसर्स को, क्वेश्चंस को पढ़ रही होती है, वो आंसर भी कर रही होती है, और जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे तक पहुंच रहे होते हैं. बट अगेन आई एम रनिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड बिजी स्केड्यूल, तो उसमें मेरे लिए टाइम निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. लेकिन मेरा आप लोगों से वादा था कि मैं फेसबुक का जो ग्रुप है फीमेल गायनी सोल्यूशन, वहाँ पर लाइव आना शुरू करूँगी इंशाल्लाह 2020 के स्टार्ट में ही. तो वो इंशाल्लाह आई विल डू इट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.